फिल्में देखने का शौक हर किसी को होता है, मुझे पक्का पता है आपको भी होगा, है तो कमेंट करके बताइएगा। और जिस जगह अभी मैं खड़ा हूँ, ये देखिए पूरे स्टूडियो बने हुए हैं, तो कोई बाजार नहीं है, पीछे मस्जिद नजर आएगी, और सब कुछ जो आपको नजर आ रहा है ये सिर्फ बनाया गया है और ये परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं है, हटाया जा सकता है। और आज ऐसी जगह मुझे मौका मिला है एक ऐसी गाड़ी को शूट करने का जिसका नाम है ह्यूंडई वेन्यू, जो कि 40 बदलावों के साथ आ रही है, और मैं इस समय रामोजी फिल्म सिटी में हूं। तो अपने फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन में आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी में जो बदलाव किए गए हैं वो कितने व्यवहारिक हैं, चलाने में अब कैसी बन पड़ी है। लेकिन आपको बता दूं, इंजन वगैरह में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सस्पेंशन सेटअप वही है, ट्रांसमिशन भी वही आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको एक एक चीज बताते हैं इस ह्यूंडई वेन्यू बारे में इस खास लोकेशन से। बात करते हैं फ्रंट डिजाइन की, और यहाँ पर आपको ग्रिल थोड़ा बड़ा और थोड़ा अलग मिलने वाला है और ये काफी अच्छा दिख रहा है, तो ये आपको 100% पसंद आने वाला है अगर आप पुरानी से कंपेयर करके देखेंगे। इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा इस तरीके का पूरा ऑल LED सेटअप मिल रहा है, LED DRL मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर बहुत अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, प्रोजेक्टर के साथ में ये मिलता है, और साथ में कुछ आपको हेलोजन बल्ब भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये ओवरऑल डिज़ाइन से आपको अपनी तरफ आकर्षित करने वाली है। और एक जो बड़ा बदलाव यहाँ पर आपको दिखता है वो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर भी किया गया है और ये अप्रोच एंगल काफ़ी अच्छा बन पड़ा है अगर ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पर अगर काफ़ी अब छांक कर देखना पड़ेगा तब इसका रेडिएटर नज़र आता है। तो कुल मिलाकर ये काफ़ी व्यवहारिक हो पड़ी है अगर फ्रंट डिज़ाइन की बात करें तो। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका साइड प्रोफाइल, और देखते हैं वहाँ पर भी कोई चेंज किया गया है या नहीं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको रूफ रेल मिल जाता है, बड़ा विंडो एरिया मिल जाता है, और ए पियानो ब्लैक फिनिश का अंदाज मिल जाएगा। ए पिलर, बी पिलर, डी पिलर पर आपको बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं दिखेगी, और साथ में यहाँ पर आपको डोर हैंडल जो दिख रहा है ये क्रोम से घिरा हुआ मिल जाएगा। क्लैडिंग गाड़ी के चारों तरफ परिक्रमा लगाती हुई नजर आ जाएगी, लेकिन ये बदलाव नहीं है। बदलाव क्या है वो दिखा देता हूँ। बदलाव है आपको यहाँ पर मिलने वाला है इस अलॉय में, जो कि ड्यूअल टोन मिलता है, काफ़ी अच्छा है। 215/60R16 के इसमें टायर प्रोफाइल दिया गया है, और साथ में यहाँ पर अगर इसके गैप देखेंगे तो ये काफ़ी कम है, तो काफ़ी अच्छा लगता है SUV के लिहाज से, तो ये सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन जो बड़ा बदलाव एक और दिखता है वो चाबी में है। चाबी देख लीजिए ध्यान से, तो पहले अनलॉक कर देते हैं और लॉक कर देते हैं, लॉक कर दीजिए और फिर इसको दबा के रखिए। और ये गाड़ी हो गई स्टार्ट, और यहीं से बंद भी कर सकते हैं, एक बार दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये नया फीचर ऐड किया है ह्यूंडई ने अपनी इस वेन्यू में, और जो इसको काफी व्यवहारिक बना देता है। तो अब चलते हैं रियर में, रियर में देखते हैं क्या क्या चीजें आपको अलग मिलने वाली हैं। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इसके रियर डिज़ाइन की, और रियर डिज़ाइन में सबसे बड़ा चेंज जो आपको मिलने वाला है टेल लैम्प देख रहे हैं एच शेप में, ये फंक्शनल है, बहुत खूबसूरत लगता है, और ये सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर आपको मिलता है। साथ में वेन्यू की बैजिंग मिल जाएगी, SX यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका बैजिंग मिल जाएगा, यहाँ पर टर्बो की बैजिंग मिल जाएगी, और एक दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं यहाँ पर, और ये वाला स्किड प्लेट जो आपको मिल रहा है ये भी आपको सिल्वर कलर का थोड़ा अलग अंदाज में यहाँ पर मिलता है। शार्क पिन एंटीना मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाते हैं, रियर वाइपर मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी को काफ़ी प्रैक्टिकल बनाते हैं। आइए अब आपको इसका बूट खोलकर दिखा देता हूँ। तो बूट खोलने के लिए अगर आपके पास चाबी है तो अपने आप एक्सेस हो जाएगा, यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है, साथ में अगर बड़े बैग हैं तो आराम से इसमें रख सकते हैं, काफ़ी जगह मिल जाती है। पार्शल ट्रे दे दिया गया है, पार्शल ट्रे जब हटा देंगे तो यहाँ पर आपको 60-40 रेशियो में ये सीट मिल जाती है, जिसे आप फोल्ड करके दोनों चाहें फोल्ड कर सकें अगर ज़्यादा बैठने वाले नहीं, तो इस तरीके का आपको फ्लैट बेंच मिल जाता है जहाँ पर आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं अगर बैठने वाले सिर्फ दो लोग हैं। तो काफ़ी अच्छे से इसको सहेजा गया है और ये काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। अब लेके चलता हूँ आपको रियर सीट पर, दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो मैं इसके रियर सीट पर आ गया हूँ। रियर सीट पर क्या कर सकते हैं, जो नया चीज़ आया हुआ है इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये सुविधा दे दी गई है, तो आगे पीछे आइए आप अपने हिसाब से जमा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफर्ट मिल जाएगा, लेकिन मैं रियर सीट पर बैठ के यात्रा नहीं करने वाला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँगा यहाँ पर, लेकिन कंपनी जो बोलती है कि यहाँ पर आपको एक थाई सपोर्ट मिल गया है, थोड़ा बढ़ा के दिया है, पता चल रहा है, लेकिन जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरा पोजीशन ये है और यहाँ से ज़्यादा मेरा आगे पैर नहीं जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं।
पीछे लाइट भी मिल जाता है। तो ये हेलोजन बल्ब के साथ में दिया गया है और बाकी चीज़ें ऑलरेडी मैं अपने वर्कअराउंड में जिक्र कर चुका हूँ, नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन ये काफ़ी प्रैक्टिकल लग रही है यहाँ पर और बहुत सारे लोगों को एक बार फिर से पसंद आने वाली है। कप होल्डर के साथ में आर्मरेस्ट भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो मैं यहाँ फ्रंट सीट पर आ गया हूँ और फ्रंट सीट पर बैठते ही एक चीज़ पता चल जाता है, इसको आप आगे पीछे पावर इलेक्ट्रिक बटन दे दिया गया है जिसे आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छी लगने वाली है इस गाड़ी में। तो ये सहूलियत के लिए दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा बन पड़ा है और इसे आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लग रहा था कि जब मैं ऐसे बैठ रहा हूँ ना तो मुझे मन कर रहा है थोड़ा और नीचे जाऊँ, लेकिन और ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती है, ये यहीं पर एडजस्ट है। 60+ कनेक्टेड फीचर्स इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पर दे दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छा बन पड़ा है और अपना काम अच्छे से करता है। सी टाइप चार्जिंग की सुविधा तीन दी गई, तीन पोर्ट इसमें सी टाइप मिलता है, एक यूएसबी मिल जाता है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक एसी वेंट दे दिए गए जो कि काफ़ी अच्छे से अपना काम करते हैं। 6 स्पीड इस IMD चला रहा हूँ तो 6 स्पीड इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और रिवर्स लगाने के लिए ये करना पड़ता है, आगे जाके रिवर्स लग जाता है। कंफर्ट बहुत अच्छा है, यूटिलिटी स्पेसेस बहुत सारे दे दिए गए, यहाँ पर सामान रखने की जगह मिल जाती है, आर्मरेस्ट में सामान रखने की जगह मिल जाती है और साथ में यहाँ पर आपको एयर प्यूरीफायर दे दिया गया है जो कि आपके AQI लेवल को बताता रहता है बहुत अच्छे से, ये भी अपना काम करता है। कप होल्डर यहाँ पे दे दिए गए हैं, इस साइड में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ORBM को इलेक्ट्रिकली इस जगह से और फोल्ड भी कर सकते हैं। तो इसका बटन दे दिया गया है, लॉक अनलॉक इसी दरवाजे से कर सकते हैं और चारों पावर विंडो यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। सनरूफ आप यहाँ से खोल सकते हैं एक लेयर और आवाज़ से भी इसे बोल के खुल जा सिमसिम करके इसको भी निकाल सकते हैं, मतलब खुल जाएगा सिमसिम में। इस तरीके से सारी सुविधाएँ मिल गई हैं। तो अगर यहाँ पर बैठ कर आप फील की बात की जाए तो ये काफ़ी प्रीमियम लग रही है, पुराने की तुलना में थोड़ा सा अलग अंदाज दे रही है क्योंकि जो बदलाव किए गए हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल बन पड़े हैं। तो हो सकता है ये IMT आपको पसंद आए। अब क्या करते हैं, इसे चलाकर देख लेते हैं और बताते हैं कि चलाने में कुछ बदला है या फिर नहीं। तो चलिए चलाकर देख लेते हैं इस Hyundai Venue IMT टर्बो को। मेरे पास यही है फिलहाल चलाने के लिए। 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आता है, 120 PS की शक्ति देता है और 172 Nm का टॉर्क निकलता है। तो एक काम करता हूँ, रोकता हूँ और आपको दिखाता हूँ 0 to 100 करके, क्योंकि जहाँ पर हूँ ये खाली खुली जगह है। तो चलिए फर्स्ट गियर में आगे बढ़ते हुए देखते हैं पहली शिफ्टिंग। अरे वाह, पहली शिफ्टिंग 51 पे आई है, अब दूसरी शिफ्टिंग कहाँ आएगी नहीं पता मुझे। दूसरी शिफ्टिंग आती है 92 पे, गजब, और ये 100 पार हो गया थर्ड गियर में। तो ये इसका पिकअप है, यानी कि थर्ड गियर में ही 100 पार कर जाता है, छू लेता है, थोड़ा सा उसमें बढ़ता है और ये 100 की रफ्तार पकड़ लेता है। सोच लो मतलब ये दूसरे गियर में थोड़ा सा और टॉर्की होता तो ये दूसरे गियर में ही पकड़ लेता है इसका इतना ये पावर, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली जो जिसकी बात कर रहा था स्पीड की, लेकिन यहाँ पर पकड़ लेता है। साथ में अब जिक्र करूँ क्योंकि ये जो हाईवे है खुला हुआ है, यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस वही मिलता है जो आपने ऑलरेडी Venue में एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो ये 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, GDI पेट्रोल इंजन आपको बहुत सपोर्ट करता है। जैसे कि मैं ओवरटेकिंग कर रहा हूँ तो ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बना रहता है और अगर मुझे और आगे करना है, सपोज करो मुझे थोड़ा और रफ्तार भरनी है, तो मैं और आगे आराम से ओवरटेक कर सकता हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझसे आगे बहुत ज़्यादा लोग रह पाएंगे। लेकिन क्या है, हर जगह की एक अनुशासित लिमिट होती है तो उसको नहीं तोड़ना चाहिए। जहाँ पे मैं चल रहा हूँ यहाँ पर 100 से ऊपर मुझे जाना नहीं है, तो 100 के आसपास ही मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि ये गाड़ी किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो अगर आपके पास खुला हाईवे है तो 90 से 120 के बीच में ये गाड़ी आराम से चलेगी और आपको ये फील होने वाला अच्छा लगेगा। और ये सब कुछ आपको 6 गियर में मैं अगर किसी ट्रैक पर टेस्ट कर रहा होता तो वहाँ पर आराम से बता देता। अभी तो मैं क्रूज़ कंट्रोल लगा के इसे छोड़ दूंगा, तो क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया है और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स अब ऐड हो गए हैं जो कि आपको पसंद आने वाले हैं। अगर ड्राइविंग फील की बात करेंगे तो ड्राइविंग फील में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सेम इंजन है, सेम सस्पेंशन है, सेम गाड़ी है, सेम व्हील साइज है, तो आपको सब कुछ वैसे ही मिलेगा जैसे ऑलरेडी आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है और गाड़ियों के साथ में, यानी कि Venue के साथ में। तो यहाँ पर जो बदलाव किए गए हैं वो एक्सटीरियर के तौर पर आपको दिखते हैं और जब आप DCT चला रहे हो तो वहाँ पर ड्राइव मोड मिल जाते हैं, तो ये दो बदलाव हो गए। और बाकी चीज़ें जब आप पीछे से इसका रियर देखते हो वो बहुत अच्छा खूबसूरत बन पड़ा है, वो अच्छा लगेगा। अंदर आपको सीट पर कुछ एडजस्टमेंट जमाने का मिल गया है, इलेक्ट्रिकली आप आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है, 60+ ब्लूटूथ कनेक्टेड फीचर्स मिल गए हैं, 40+ चेंजेस कंपनी ने टोटल ओवरऑल मिला के किए हैं। इसमें जो मैं बता रहा हूँ मेरा फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ में, तो आपको विजिबिलिटी सॉलिड मिलती है। आप देख लीजिए सामने कितने अच्छे से सब कुछ नजर आ रहा है, ए पिलर एकदम बाधा उत्पन्न नहीं करता है, ORBM पर पूरा का पूरा
अच्छे से दिख जाता है आपको, और IRBM भी अपना काम अच्छे से कर रहा है, और यहाँ पर कुछ बटन भी दिए गए, अगर आपको एक्सेस करना है उसे कर सकते हैं। आपके हाथ में पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, अगर आपको कुछ चेंज करना है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। AC बहुत अच्छी कूलिंग दे रहा है, तो मुझे AC इसका बहुत पसंद आया है, जिस तरीके से AC यूनिट शुरू से ही मुझे पसंद रहा है, वेन्यू की कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ जो मुझे लगी कि मैं जब इस सीट पर बैठ रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर रहता हूँ, मेरा मन करता है मैं थोड़ा और नीचे आके बैठूँ, तो उस इससे ज़्यादा मतलब जहाँ जिस एडजस्टमेंट पर मैं बैठा हूँ उससे ज़्यादा मैं नीचे नहीं जा सकता हूँ, तो एक इसकी प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं। सिटी कंडीशन में भी ड्राइविंग की बात कर सकते हैं, हैदराबाद में चल रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक अगर आप देख रहे हैं तो मिला जुला ट्रैफिक भी मेरे सामने है, और यहाँ पर भी आप आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। तो IMT उनके लिए बहुत अच्छा है जो ऑटोमेटिक पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, उनको लगता है कि भैया उससे ज़्यादा उनको ऑटोमेटिक वाला फील मिल जाए, तो एक यहाँ से क्लच गायब हो गया। हालांकि मुझे अगर ख़रीदना होगा तो मैं IMT पे कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे IMT चलाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, मुझे या तो फिर प्रॉपर मैनुअल चाहिए या फिर ऑटोमेटिक चाहिए जिससे मैं अपने हिसाब से ड्राइव कर सकूँ। लेकिन ये क्या है कि ये एक सहूलियत दे देता है जहाँ पर आपको क्लच का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ ही वहाँ पर एक जिन लोगों की आदत लगी हुई है मैनुअल चलाने वाली, उनको क्लच मिसिंग लगने वाला है। तो मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि भैया अगर एक नकली ही दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन नकली और असली की बात नहीं है यहाँ पे। IMT अच्छा है उनके लिए जिनको रोज़मर्रा ट्रैफिक में चलना है, सिटी में ड्राइव करना है, और साथ में मुझे लगता है अगर थोड़े दिन इसको यूज़ करेंगे तो इसके यूज़ टू भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि चलाया नहीं जा सकता है। तो मेरा हाईवे और सिटी के लिहाज से जो इसके साथ एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है, और ये आगे बता भी देता है, क्योंकि अगर आगे स्कूल वगैरह है तो उसका इन्फॉर्मेशन ये बोल के भी बता देता है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। इसमें बहुत सारे कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं जो कि बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छे आते हैं, साथ में सस्पेंशन सेटअप बहुत दुरुस्त बनाया गया है, इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आपको पसंद है IMT, कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये टर्बो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। साथ में माइलेज का भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है, तो जो मुझे माइलेज अभी मिल रहा है 8.9 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से दिखा रहा है, लेकिन मैं टेस्ट कर रहा हूँ गाड़ी को, तो यहाँ पर ये एक्यूरेट माइलेज नहीं आ सकता है। एक्यूरेट माइलेज के लिए आपको बाद में जब आप चला रहे होंगे आराम से तो वहाँ पर टेस्ट करिएगा, तो आपको पता चल जाएगा, हर कंडीशन में टेस्ट करिएगा। लेकिन ये नहीं, क्योंकि मैं इसको अलग अलग कंडीशन बहुत टाइम तो गाड़ी ही ऑन रही तो उसमें नहीं बोल सकते कितना माइलेज ये दे रही है एग्जैक्टली, लेकिन आपको जो कंपनी दावा करती है 18 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज मिल सकता है। और ये इंजन बहुत ही रिफाइंड है, और इस GDI पेट्रोल का मैं फ़ैन हो गया हूँ टर्बो का, और जिस तरीके से धारता है तो केबिन इंसुलेशन थोड़ा ख़राब हो जाता है, अगर इंजन की आवाज़ की बात करें तो काफ़ी कुछ केबिन में आता रहता है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं करेगा आपको इस गाड़ी के साथ में। और जिस सेगमेंट में Hyundai ने इसको लॉन्च किया था वहाँ पर ये Hyundai के लिए वरदान बन चुकी है, और बहुत सारी कंपनियाँ इस सेगमेंट में अपनी गाड़ियाँ बेच रही हैं, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी अगर देखेंगे तो Hyundai की वेन्यू की अब आपको मिलने वाली है। तो ओवरऑल पूरा अगर आप फील लेना चाहेंगे तो एक प्रीमियम फील आपको मिलेगा, वही एक बदलाव आपको सबसे ज़्यादा महसूस होने वाला है। इंजन की तरफ से आपको कोई भी नया चेंज नहीं मिलने वाला, तो जिसके पास पुरानी वेन्यू है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इंजन बदल गया है इनको ज़्यादा पावर मिल रही है, तो पुरानी वेन्यू और इस वेन्यू में कोई फ़र्क नहीं है, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। 40+ बदलाव किए गए हैं, वो बदलाव ऐसे हैं जो दूर से दिखते हैं अंदर बैठ कर समझ में आते हैं, और वो बदलाव व्यवहारिक भी हैं, साथ में और चीज़ें आपको कुछ भी डिसअपॉइंट नहीं करती हैं, चाहे व्यूइंग एंगल की बात कर लें, चाहे सीटिंग कंफर्ट की बात कर लें। रियर में बैठ के अगर आप चलना चाहेंगे तो उसे एक रिक्लाइनिंग का एक ऑप्शन दे दिया गया है, तो वहाँ पर भी अच्छा लगने वाला है कि भैया आपका एक कंफर्ट इन्हेंस कर दिया है पीछे के साइड में, और जो सीट का एक कुशनिंग वगैरह दी गई है बहुत अच्छी है, और इस सीट मुझे सच में काफ़ी पसंद आई। तो मेरे फर्स्ट ड्राइव में फिलहाल इतना ही जो मैं आपको बताना चाहता था। तो जो मैंने चलाया वो था IMT टर्बो, और आपको बता दूँ कोई भी आपको चेंज नहीं मिलने वाला है। ड्राइविंग की अगर बात करें, ड्राइविंग फील में कोई बदलाव नहीं किया गया है, उसी तरीके से आपको ड्राइविंग फील मिलता है। और IMT टर्बो का दोनों कॉम्बिनेशन मुझे ना, मतलब बहुत सारे लोगों को पसंद हो सकता है, लेकिन मुझे IMT में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मैनुअल चलाना पसंद करूंगा, DCT चला लूंगा, कुछ और चला लूंगा, ऑटोमेटिक भी चलेगा, बट मुझे IMT नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप को चाहिए IMT और चाहते हैं कि भाई ऑटोमेटिक पे ज़्यादा पैसे ना खर्च करना पड़े, IMT में कम पैसे खर्च करके आप ऑटोमेटिक वाला फील ले लें, तो ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, आपको अच्छा लगने वाला है।
जो 40 बदलाव किए गए हैं वो व्यवहारिक है, लेकिन सारे बदलाव अगर आपको देखने होंगे तो आपको इसका DCT देखना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर आपको ड्राइव मोड वगैरह मिलता है। और ये कह रहे हैं कि कुछ DCT में जो चेंज किया गया है उसका फील आपको मिलने वाला है ड्राइविंग में, नहीं चलाया है तो इसके बारे में चर्चा भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है वो मिला जुला रहा है, तो इसमें कुछ ड्राइविंग वाले फील में कुछ आपको नहीं मिलने वाला है, जैसे आप पहले वेन्यू चलाते थे वही आपको मिलने वाला है। और साथ में जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं, पता चल रहे हैं, वही चेंज आप फील भी करने वाले हो। इंटीरियर में आपको थोड़ा सा प्रीमियमनेस मिलता है, वो 100% आप महसूस करोगे। और जो कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं, अगर आप टेक सेवी हो तो आपको अच्छे लगने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन इस गाड़ी के साथ में पसंद आया होगा। फिर भी मेरे से कुछ रह गया, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले, मेरा इंस्टा हैंडल @amit.dwivedi, सवाल करें, सारे जवाब ले जाएं।